दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर यूआईडीएआई ने आधार डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जारी किया है। वह सभी लोग जिन्होंने अपना आधार कार्ड शुरू में बनाया है, वह लोग तब से लेकर अब तक अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन या फिर कोई भी अपडेट का कार्य नहीं करवाया है, तो उन सभी लोगों को अब अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करवाना होगा। डेमोग्राफिक डिटेल के अंदर उन सभी लोगों को अपने आधार कार्ड में एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ को अपलोड करना होगा। अगर वह सभी लोग अपने आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड नहीं करते हैं तो उनके आधार कार्ड के थ्रू मिलने वाले बेनिफिट या फिर जो बेनिफिट मिल रहे हैं उन सभी बेनिफिट को निष्कर्षित कर दिया जाएगा। यूआईडी के द्वारा एक ट्वीट करके भी बताया गया है कि आधार कार्ड के द्वारा कौन कौन से बेनिफिट दिए जा रहे हैं या फिर कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं उन सभी बेनिफिट को निष्कर्षित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, UIDAI के द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया है और इस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट नहीं करते हैं तो आपके आधार कार्ड के थ्रू जितने भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं उन सभी बेनिफिट को निष्कर्षित किया जा सकता है। और यहाँ पर बेनिफिट की एक लिस्ट भी बताई गई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन रेशन वन राशन कार्ड का लाभ भी अपने आधार कार्ड के थ्रू आप ले रहे हैं। इस लाभ इस बेनिफिट को भी यहाँ पर निष्कर्षित किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी बैंक में अकाउंट ओपन किए जाते हैं वो सभी अकाउंट आधार कार्ड के थ्रू ही ओपन किए जाते हैं। तो आपके आधार कार्ड के थ्रू जितने भी बैंक अकाउंट है वो सभी खाते आपके निष्कर्षित किए जा सकते हैं। और यहाँ पर हजारों प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम का लाभ भी आप आधार कार्ड के थ्रू ही ले रहे हैं, उन सभी लाभ से भी आपको निष्कर्षित किया जा सकता है। और आप अपने मोबाइल कार्ड में जो सिम कार्ड चला रहे हैं वो सिम कार्ड भी आपके आधार कार्ड के थ्रू ही ओपन है, तो आपकी सिम कार्ड को भी यहाँ पर निष्कर्षित किया जा सकता है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो स्कॉलरशिप का लाभ भी आप आधार कार्ड के थ्रू ही ले रहे हैं। किसी भी प्रकार के आप लोन वगैरह लेते हैं, आपका लोन वगैरह भी यहाँ पर निष्कर्षित किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार के टैक्सेज ई वेरिफिकेशन भी आपके आधार कार्ड के थ्रू ही किया जाता है। ये सभी बेनिफिट यहाँ पर निष्कर्षित किए जा सकते हैं। तो आपको अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करना होगा। अगर आप खुद से ऑनलाइन यहाँ पर अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर आपको ₹25 का चार्ज देना होगा। और अगर आप ऑफलाइन किसी आधार सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करवाते हैं तो वहाँ पर आपको ₹50 का चार्ज पे करना होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहे। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ या फिर अपना आइडेंटिटी प्रूफ किस प्रकार अपलोड कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपडेट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। और इस ब्राउजर में आपको टाइप करना है UIDAI। टाइप करके जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं myaadhar.uidai.gov, इन सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखोगे आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे, इसके बाद में आपका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहां पर फिल करना है। और जो ये कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चर कोड आपको यहां पर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आप जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से जुड़े जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक कर जाओगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपके आधार कार्ड प्रोफाइल में आप यहां पर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। अब आप अपने आधार कार्ड को कंप्लीटली यहीं से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को पीवीसी में मंगवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यहां पर आने के बाद में जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट अपडेट। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद में नीचे आपको ओके के या फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप यहां पर देख सकते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने के लिए आपको यहां पर ₹25 का चार्ज पे करना होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर आकर आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है एंड फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपके आधार कार्ड की जो भी डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस,
वो का सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक टिक मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन में आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट की साइज है वो 2 MB के अंडर होनी चाहिए और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट रहेगा वो JPG, PNG या PDF में आप रख सकते हैं। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज अपलोड आइडेंटिक प्रूफ, यानी कि आपको एक अपनी आइडेंटिक प्रूफ डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब इस लिस्ट में से जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे बैंक पासबुक, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, किसान फोटो, पासबुक। इस लिस्ट में से आपको देखना है, इस लिस्ट में से जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने वाले हैं तो हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और हमारा जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे आप PDF, JPG में जिसमें भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप पहले से यहाँ पर तैयार रखें। तो यहाँ पर ID प्रूफ अपलोड करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है तो एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो आप एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं इस लिस्ट में से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे केस के अंदर हम ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं, तो हम दोनों में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर चेकबॉक्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पर। तो हम यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करेंगे एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं डायरेक्ट पेमेंट वाले पेज पर। तो हम यहाँ से ₹25 का चार्ज अब पे करवा देंगे। तो ये ₹25 का चार्ज हम UPI या फिर नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट किसी के भी तो हम यहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे आप ये ₹25 का चार्ज पे करवा दोगे तो आपको एक रेफरेंस ID मिल जाएगी। तो रेफरेंस ID के थ्रू आप अपने स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी डेमोग्राफिक डिटेल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाती है। जब आप अपनी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट कर दोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने आधार प्रोफाइल के होम पेज पर आपको वापस आ जाना है और अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपका जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर जब आपका डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट यानी डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे तो यहाँ पर ओके का चिन्ह आपको दिखाई दे जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।